हाय एवरीवन, सीखा किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए दोस्तों, फिर इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। पनीर लिया है मैंने, प्याज है, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, अदरक, सूखा हुआ लाल मिर्च और हरी मिर्च। यह है बटर, ये घर का दूध में जो मलाई बैठते हैं ना, वो मलाई है। मलाई, काजू, कैसुनट, ये है कैसुनट, और टमाटर, कसूरी मेथी, 1 टीस्पून चीनी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और सूखा हुआ लाल मिर्च का पाउडर, और ये है सनफ्लावर ऑयल। ये मेरा घर का बना हुआ 3 लीटर दूध का पनीर है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा शेप में, चौकोन शेप में काट लूंगी। अगर बाजार से खरीदा हुआ पनीर होंगे तो उसको थोड़ा सा नमक पानी में, गरम गरम पानी में उसको ढक के पानी डाल के 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर पनीर में कोई खट्टापन है या बासी पनीर है तो वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और पनीर का जो स्मेल है, खट्टा वाला स्मेल, वो भी चला जाएंगे। तो ऐसा करना है, ये मेरा घर का फ्रेश पनीर है तो इसको मैं गर्म पानी में नहीं डालूंगी, ऐसे ही बनाऊंगी। कभी कभी पनीर में बहुत ही खट्टापन आता है, हमें पता नहीं चलता है, खाने के टाइम पता चलता है कि उसके अंदर से एक बैड स्मेल आता है और बहुत ही खट्टा खट्टा सा एक टेस्ट आता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते बटर पनीर में। तो एक टिप्स है, इसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे बनेंगे बटर पनीर। पनीर को मैंने इतने बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं। आप लोग चाहे तो थोड़ा सा छोटा भी इसको काट सकते हैं। एक टाइप होता है। प्याज को भी बड़ा बड़ा काट लूंगी क्योंकि इसको बाद में मिक्सी में पेस्ट करना है भूनने के बाद, इसीलिए बड़ा बड़ा काट के भूनेंगे इसको। तेल में बटर में मिक्स करके इसको भूनना है। टमाटर को भी बड़ा बड़ा ही पीस काटेंगे। सब एक साथ पीसना है, भूनने के बाद सब बड़ा बड़ा पीस में काटेंगे। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, मैं थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल डाल रही हूं। कभी कभी डायरेक्ट बटर डालने से बटर जलने लगते हैं, इसीलिए पहले थोड़ा सा तेल डालने के बाद बटर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे
खड़ा मसाला, सूखा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा स्लो आंच में इसको भूनिए, क्योंकि ज्यादा तेज आंच करेंगे तो नीचे से बटर है ये तो बहुत जल्दी जलने लगेंगे। थोड़ा सा भून लिया है, अब इसमें डालेंगे अदरक हरी मिर्च, अदरक को थोड़ा सा भून लिया है मैंने, अब डालूंगी इसमें काजू, काजू का कलर थोड़ा सा रेड रेड आ रहा है, अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर प्याज, अब एक साथ इसको पकाना है। प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे एक साथ। इसके लिए थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दूंगी मैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया था मैंने, वही थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी, ज्यादा हल्दी डालने से हल्दी का मतलब पीला कलर आएंगे, इसीलिए थोड़ा सा हल्दी चाहिए। और ये लाल मिर्च हम बाद में देंगे। अब इसको ढक दूंगी मैं जब तक टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। ढक के मीडियम आंच पे थोड़ी देर बाद इसको खोल के हिला देना है जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक टमाटर और प्याज हमारा पक रहे हैं तब तक हम कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून लेंगे। स्लो आंच पे इसको भूनना है क्योंकि तेज आंच करेंगे तो जलने लगेंगे। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो कसूरी मेथी को अवॉइड कर सकते हैं। कसूरी मेथी के बगैर भी अच्छा लगेगा, ये सिर्फ एक अच्छा सा फ्लेवर देते हैं, इसके वजह से इसको डालना होता है, नहीं तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं कसूरी मेथी को। 10 सेकंड के लिए मैं गरम कर रही हूं, इसी में ही ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं बंद कर रही हूं गैस। और थोड़ी देर पकाना है। प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ी देर लगेंगे, ढक के रख दूंगी मैं अभी अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए प्याज, उसके बाद दिखाती हूँ। प्याज हमारा बिल्कुल पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं गैस बंद करके इसको ठंड होने के लिए रख दूंगी। ठंड होने के बाद मिक्सी में पीस लूंगी, उसके बाद ग्रेवी बनाऊंगी। कढ़ाई गर्म हो गया है, थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल डाल दिया, रेड चिली पाउडर, स्लो आंच में डालना है नहीं तो जल जाएंगे।
इसको तुरंत भूनना है। भूनने के तुरंत ही इसके अंदर जो मिक्स करके रखे थे पेस्ट बनाया था ऑनियन टमाटर कैसू नट का, उसको डाल देना है। इसको स्लो आंच में या मीडियम आंच में कंटिन्यूअसली हिलाना है। बाद में मैं इसमें पानी डाल के, मिक्सी में बहुत सारे पेस्ट हैं हमारे, इसमें पानी डाल के धो के बाद में डालूंगी। अभी थोड़ी देर इसको भून लेती हूँ। पांच मिनट मैंने अच्छे से भून लिया इसको, बहुत अच्छा खुशबू आ रहे हैं इसके अंदर से। अब मैं डाल रही हूँ मिक्सी धोने धो के रखे थे जो मसाले का पानी, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा चीनी, और इससे ज्यादा चीनी जो मैंने लिया था 1 टीस्पून का, वो मैंने मलाई जो था उसके साथ अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है, और थोड़ा सा ही चीनी है अभी मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और इसके नाप का, ग्रेवी के नाप का नमक अभी ऐड कर रही हूं इसके अंदर, करके अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के बाद इसमें से अच्छे से उबाल आने लगेंगे, तब इसमें ऐड करूंगी पनीर। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गए हैं, अब इसमें डाल रही हूँ पनीर। इसमें फ्राई किया हुआ पनीर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ही सॉफ्ट सा पनीर मुंह में आते हैं, पूरा घुल जाने वाला मुंह में टेस्ट आते हैं, कच्चा पानी डालने से ही वो आएंगे। ये डालने के बाद ढक के रख देना है 4 मिनट, मीडियम फ्लेम में ढक के रखना है। अभी मैं मिक्स कर रही हूं, अभी इसको ढक देना है। अब इसमें कसूरी मेथी, डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा बटर, और जो मलाई को मैंने पीस लिया था चीनी के साथ ब्लेंड कर लिया मिक्सी में, वो 1 चम्मच। बिल्कुल रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर क्रीमी रेसिपी, एक बार घर में ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को रोटी पराठा पुलाव नान किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, एक बार बनाइए घर में। मेरा ये बटर पनीर की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।